ग्राम पंचायत कुनिहार के गांव भट्टियून में गौशाला अचानक आग की चपेट में आ गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक गौशाला के साथ साथ उसमें रखा पशु चारा, इमारती लकड़ी और कुछ जरूरी सामान भी जलकर राख हो गया था। गनीमत ये रही कि जिस समय गौशाला में आग लगी उस समय पालतू मवेशी बाहर बंधे हुए थे, अन्यथा आग इतनी भयानक थी कि मवेशियों को गौशाला से सुरक्षित बाहर निकालना आसान न होता। जानकारी के अनुसार कुनिहार क्षेत्र के गांव भट्टियून के ग्रामीण सोहनलाल ठाकुर अपंगता के कारण अधिकतर समय घर पर ही रहते हैं। साथ लगते अन्य किसी गांव में विवाह समारोह होने की वजह से परिजन व अधिकतर ग्रामीण वहां गए हुए थे। घर में केवल उनकी छोटी बहू थी। बहू अपने मवेशियों के लिए गौशाला से चारा निकालने गई तो उसने देखा कि गौशाला से धुआं उठ रहा है। उसने तुरंत इसकी सूचना अपने ससुर को दी। दोनों ने गौशाला में आग लगने की जानकारी दूरभाष पर विवाह समारोह में गए परिजनों व ग्राम पंचायत प्रधान को दी। कुछ ही समय पश्चात विवाह समारोह में गए सभी ग्रामीण वहां पहुंचे व कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू पाना आसान नहीं था। करीब 3 घंटे पश्चात जैसे तैसे करते उन्होंने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन गौशाला के साथ साथ उसमें रखा पशु चारा, लकड़ी और कुछ सामान जलकर खाक हो चुका था। गौशाला मालिक रोशनलाल ठाकुर ने कहा कि मेरी गौशाला में अचानक आग लग गई। उस समय मैं और मेरी छोटी बहू ही घर पर मौजूद थे। बहू जब पशु चारा निकालने गई तो उसने देखा कि गौशाला के कमरे से धुआं निकल रहा है। अपंगता के कारण मैं विवश था। मैंने तुरंत परिजनों व ग्रामीणों को फोन कर आग लगने की सूचना दे दी। वहीं स्थानीय पंचायत प्रधान को भी इस बारे में जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने जैसे तैसे करके आग पर काबू पा लिया है। 2 घंटे ढाई ढाई पौने 3 घंटे पर ही आएगा हारा क्या करें। भी दीदी की भाई तू का पीछे दौड़े हूँ मला राम मासी जाओ पानी बंद कर दो उसकी पानी भाई एक पाइप बंद कर दो एक पाइप लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुनिहार से अक्षय शर्मा की रिपोर्ट। गुल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। अनुभवी व फ्रेशर सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9481803532 पर कॉल करें।